अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 बायोडायवर्सिटी। टुडे इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके एम्स को भी हमने डिस्कस किया और उसके प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। उसके प्रिंसिपल्स मतलब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं उसको। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो रिलेशन हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन इस की जो बेस्ड है ना, बेस्ड वो बेसिकली सिमिलरिटीज के ऊपर होती है। सिमिलरिटीज, मुशाबत रखना कि दो ऑर्गेनिजम्स लें, उनमें देखिए कि सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें उनकी जो है वो सिमिलर हैं। जैसे हम दो बर्ड्स ले लेते हैं, दो परिंदे ले लेते हैं, हम देखते हैं कि जी उनके पर, दोनों के दो पर हैं, ठीक है, चूंच है, ठीक है, उनकी लेग्स दो हैं, ठीक है, उनके मतलब कि स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज को हम चेक करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की जो सबसे पहली बेस है वो है ही सिमिलरिटीज। इसके अलावा हम उसके अंदर डिफरेंसेस को भी जो है वो डिस्कस करते हैं। डिफरेंसेस को सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, दी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं कि उनके क्या डिफरेंस है। साइज का डिफरेंस भी हो सकता है, कलर का डिफरेंस भी हो सकता है। देखिए, पैरट का कलर और होता है, स्पैरो का कलर और होता है, इस तरह से पिजन्स डिफरेंट कलर के होते हैं। तो डिफरेंसेस को भी देखना है और मेनली क्या होता है हमारे पास उसके अंदर सिमिलरिटीज होती है। सिमिलरिटीज को देखकर हम बताएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म आपस में इनका रिलेशन है या नहीं है। और ये जो सिमिलरिटीज होती हैं, बेसिकली अगर दो ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज मतलब उनकी सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। अब ये तो नहीं है कि नहीं जी हम सिमिलर करें जी लाइन को बर्ड के साथ सिमिलर, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में सिमिलर होंगे, जैसे मैंने दो बर्ड्स की आपको एग्जाम्पल दी, तो उससे हमें पता चलेगा, ये पता चलेगा कि ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, इनका जो एवोल्यूशन है ये सेम है। एवोल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब इनके जो आबाव अजदाद हैं वो भी सेम है, वो भी एक ही किंगडम से ताल्लुक रखते हैं, उनका किंगडम सेम है। सिमिलरिटीज सुजेस्टेड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, दीस ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये आपस में कुछ ना कुछ इनका कोई रिलेशन है, इनके आबाव अजदाद का रिलेशन है, दैट हैव इवोल्यूशन। तो सिमिलरिटीज का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इसका फायदा हमें यह मिलता है कि ये हमें किसके बारे में बताती है, उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि वो एवोल्यूशन के अंदर मतलब उनके जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनके आबाव अजदाद थे वो क्या थे, सेम थे। तो सिमिलरिटीज हमें किसकी तरफ लेकर जाती है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की तरफ लेकर जाती है, ये बेनिफिट देती है हमें। तो सिमिलरिटीज सुजेस्ट करती हैं कि दे ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन एंड अदर एट सम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इनके जो एवोल्यूशन है वो भी क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम इसको देखेंगे। तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म आपस में क्या है, क्लोजली रिलेशन रखते हैं। एग्जांपल की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल उसने दी हुई है स्पैरो की। वो कहता है कि जो स्पैरो है, ठीक है, दैट इज मोर क्लोजली टू द पिजन। स्पैरो क्लोज किसके साथ है जी, पिजन के साथ है, कबूतर के साथ। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें किसके साथ, सिमिलरिटी करें किसके, इंसेक्ट के साथ, तो इसकी सिमिलरिटी नहीं होती। इसका मतलब इसकी सिमिलरिटी पिजन के साथ हो रही है। और सिमिलरिटी हमें क्या बताती है कि ये इनका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मतलब इनके जो अबाव अजदाद हैं पिजन स्पैरो, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये हमें क्या सिमिलरिटी ने बताया, सिमिलरिटीज हमने कहा कि स्पैरो जो है वो सिमिलर है किसके साथ, पिजन के साथ, देन टू द इंसेक्ट, क्लोजली रिलेशन। तो जब हमने सिमिलर कर लिया, फिर उससे हमें पता चला कि जिनको इनका एवोल्यूशन है, इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो भी क्या होगी डियर स्टूडेंट, सेम होगी। तो जब हम सिमिलरिटीज करते हैं तो बेसिकली हम किस बेस के ऊपर करते हैं डियर स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, उसकी शक्ल को देखते हैं कि अगर वो सेम है हमारे पास, ठीक है, तो तब हमें पता चलता है कि उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मतलब उनके अबावत है, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सिमिलरिटीज होती हैं इनको हम किस बेसिस के ऊपर करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज को हम किन किन बेसिस के ऊपर करते हैं। डियर स्टूडेंट, इनमें अंदर तीन चीजें आती हैं। एक आता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, दूसरी आती है डेवलपमेंटल स्टडीज, और आज के दौर के अंदर जेनेटिक्स को बहुत ज्यादा जो है वो अरूज के ऊपर देखा गया है क्लासिफिकेशन के लिहाज से।
हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आपने चैप्टर वन के अंदर पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी दैट डील विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये बेसिकली वही है कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो हम इसके अंदर क्या डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं और ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। मतलब एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल। ऑर्गेनिजम्स के हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर तो वो आ रहे हैं सेम, अगर दोनों क्या आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है वो भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब एवोल्यूशन भी इनका क्या होगा, सेम। और इसलिए हम उनको एक ही ग्रुप के अंदर कंसीडर करेंगे, एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे। मॉर्फोलॉजी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है हमारे पास डियर स्टूडेंट डिवेलपमेंटल स्टेजेस। सेकेंड क्या है हमारे पास, डिवेलपमेंटल स्टेजेस। डिवेलपमेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिवेलपमेंट होता क्या है। डिवेलपमेंट बेसिकली बिफोर बर्थ जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिवेलपमेंट, और आफ्टर बर्थ की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो डिवेल्प स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट या डिवेलपमेंटल स्टेजेस कह लें इसको। डिवेलपमेंटल जो स्टेजेस हैं उसकी बेस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन सिमिलरिटीज कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास एक एग्जाम्पल है सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, डिवेलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो। उसके अंदर हम अगर जो है वो थ्री डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उसकी हम डिवेलपमेंटल स्टेजेस को चेक करें, तो एक टाइम आता है कि उस टाइम के दौरान, उन वीक के दौरान, ठीक है, टाइम के दौरान वो जो एम्ब्रियो होता है हमारे पास, हमें ये पता नहीं चलता कि कौन से ऑर्गेनिज्म का ये एम्ब्रियो है, इतना सिमिलर हो जाता है वो। मतलब थ्री डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है लेकिन एक टाइम आता है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से ऑर्गेनिज्म का ये एम्ब्रियो है। डिवेलपमेंटल स्टेजेस के अंदर हमें पता नहीं चलता, इतने सिमिलर हो जाते हैं वो आपस में। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी जो डिवेलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो भी सिमिलर हो जाती हैं। जब उनकी डिवेलपमेंटल स्टेजेस सिमिलर होंगी तो हम कह सकते हैं कि उनका एवोल्यूशन हिस्ट्री भी सेम हो सकता है और उनको हम एक ही ग्रुप के अंदर डियर स्टूडेंट कंसीडर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट सेकेंड पॉइंट है हमारे पास। तो स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट भी हमें सिमिलरिटीज की तरफ लेकर जाती है और उसकी बेसिस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट दैट इज मॉडर्न जेनेटिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के दौर के अंदर क्लासिफिकेशन को इस बेस के ऊपर किया जा रहा है, दैट इज मॉडर्न जेनेटिक्स। ये जो है पॉइंट्स, इनकी बेसिस के ऊपर कम बल्कि मॉडर्न जेनेटिक्स को आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। और ये जेनेटिक्स का वर्ड है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डेफिनेशन के अंदर इस बात को पढ़ा था, दैट इज द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड द रोल इन द इनहेरिटेंस, एंड द इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो मॉडर्न जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हमें स्टडी करवाती है किसकी, जीन्स की। मतलब हमने किसको स्टडी करना है, डीएनए को स्टडी करना है। दो ऑर्गेनिजम्स लेने हैं, उनके डीएनए को हमने स्टडी करना है, उनके डीएनए को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। डीएनए को जब हम स्टडी कर लेंगे तो डीएनए हमें उसके अंदर क्या बताएगा, उस ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलरिटीज बताएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को। जब हम जीन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स की स्टडी का नाम है ना, तो जब हम उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, अगर उनके कैरेक्टर सेम आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनका एवोल्यूशन हिस्ट्री सेम है, क्योंकि सिमिलरिटीज हमें एवोल्यूशन हिस्ट्री बताती है। तो उनकी एवोल्यूशन हिस्ट्री भी क्या आ रही है, सेम। तो आज के दौर के अंदर हम किसको डियर स्टूडेंट स्टडी करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म्स के डीएनए को स्टडी करके हम उनकी जो सिमिलरिटीज हैं हम उनको देखकर बता सकते हैं कि एवोल्यूशन के अंदर इनका एवोल्यूशन हिस्ट्री जो है वो भी क्या है डियर स्टूडेंट, सेम है। तो मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट और टैक्सोनॉमी हमने ब्रांच पढ़ी थी, That is the study of the classification and the evolution history of the organism. तो उनको study करने वालों को हम क्या कहते हैं, taxonomist कहते हैं। Taxonomist के लिए ये सबसे आसान method है modern genetics के, DNA लें, उसको study करें, characters को study करें, similar आ रहे हैं तो उनको एक ही group के अंदर रख लें। Differences and और इसके अलावा differences भी बता देते हैं। In the DNA of the two
स्टडी टू सजेस्टेड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज फॉर द गेटिंग द आइडिया अबाउट द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट, के मतलब उनके जो स्ट्रक्चर है और उनकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, हम डीएनए की स्टडी करके इजीली मालूम कर सकते हैं कि उनके करैक्टर्स क्या हैं। बेसिकली जो जीन होता है वो हमें करैक्टर्स की इंफॉर्मेशन देता है। अगर दोनों के करैक्टर्स आ रहे हैं सेम सिमिलर आ रहे हैं तो हम उनको एक ही ग्रुप के अंदर डियर स्टूडेंट्स रख देंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।